नमस्कार दोस्तों, ये इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन और आंसर। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के पश्चिम में कौन सा सागर विद्यमान है? और पहले क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरब सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दो, दक्षिण भारत किस नदी के किनारे बसा हुआ था? दक्षिण भारत किस नदी के किनारे बसा हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीन, राष्ट्रकूटों से महाराष्ट्र को छीनने वाला राजा जयसिंह का संबंध किन चालुक्यों से था? उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वतापी के चालुक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चार, कन्नौज के सम्राट हर्ष की सेना का सामना वतापी के किस राजा ने किया था? उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, कल्याणी में किस चालुक्य शासक ने अपने राज्य की स्थापना की थी? क्वेश्चन नंबर पाँच का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तैलब की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर छः, पल्लव वंश के राजाओं ने किस शहर को राजधानी बनाया था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांचीपुरम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सात, क्वेश्चन नंबर सात, समुद्रगुप्त ने कांचीवरम के किस राजा को हराया था? क्वेश्चन नंबर सात, समुद्रगुप्त ने कांचीवरम के किस राजा को हराया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विष्णुगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आठ, क्वेश्चन नंबर आठ, सिंह विष्णु ने किस देश को अपने राज्य में मिलाया था? क्वेश्चन नंबर आठ का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नौ, चोल वंश का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? और क्वेश्चन नंबर नौ का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाभारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दस, चोल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विजयालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, चोल वंश के किस शासक ने उत्तरी भारत में विजय प्राप्त की थी? और क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, चोल शासक राजराज ने दक्षिण के किस मंदिर को बनाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तंजौर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, चोल शासन में प्रांतों को क्या कहा जाता है? चोल शासन में प्रांतों को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मंडलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, चोल साम्राज्य में प्रांतीय शासकों को कौन नियुक्त करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, चोल शासकों की प्रमुख उपलब्धि क्या थी? चोल शासकों की प्रमुख उपलब्धि क्या थी? इसका सही आंसर है ये सभी, स्थापत्य कला, राजा का सर्वोच्च स्थान, और नेक्स्ट है सहिष्णुता, मतलब ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, दक्षिण भारत के किन शासकों ने स्थानीय प्रशासन को स्वायत्तता प्रदान की थी? इसका सही आंसर है क्वेश्चन 16 का ऑप्शन नंबर बी, चोलों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, चोल साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुर्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रकूटों का मूल स्थान कौन सा है, सॉरी कौन सा था? राष्ट्रकूटों का मूल स्थान कौन सा था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रकूट वंश के सबसे प्रसिद्ध कवि राजशेखर ने अपने ग्रंथों को किस भाषा में लिखा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1347 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1336। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 21 क्वेश्चन थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके और आप इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।